हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन हम डिस्कस करते हैं कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के सेगमेंट में। कनेक्टेड बॉडीज का मोशन हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और रोटेशनल मोशन में। मेजर पोर्शन यहीं पे आता है, बाकी तो पूरे फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। सो कंस्ट्रेंट मोशन है क्या? कंडीशनल मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब ही होता है कंडीशन, किसी कंडीशन से बाउंड। कंस्ट्रेंट मोशन को बेसिकली बोलते क्या है वो देखते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन रिजल्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव इन रेस्ट्रिक्टेड वे। मतलब ये हुआ, किसी बॉडी का मोशन अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन से बाउंड है किसी भी तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कोई फोर्स होगा जो कंडीशन अप्लाई करा रहा होगा, तो उसकी बात करेगा तो कंस्ट्रेंट फोर्स आर द फोर्स दैट द कंस्ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू मेक इट फॉलो द मोशनल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट फोर्स एक फोर्स होगा कोई जो उस कंडीशन को बाउंड करवा रहा होगा, उसको बोलेंगे कंस्ट्रेनिंग फोर्स। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होता है? टोटल वर्क डन बाय इंटरनल कंस्ट्रेंट फोर्स या इंटरनल फोर्स इज जीरो। इसी को बोलते हैं टोटल वर्चुअल वर्क जीरो। इसी को अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट करें बोलेंगे पावर। सो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल कंस्ट्रेंट फोर्स इज जीरो। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक v1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब हमें बताना है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है v1 वेलोसिटी से आएगा उसी पे रखा है, लेकिन जरा इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करके देखते हैं हो क्या रहा होगा। यहां पे इन दोनों के बीच में लिफ्ट और इसके बीच में लग रहा होगा नॉर्मल, एंड द नॉर्मल इज द कंस्ट्रेंट फोर्स। ये जो नॉर्मल है जो इस पे लग रहा है n, और इस लिफ्ट के सरफेस पे जो लग रहा है वो n, ये है कंस्ट्रेंट फोर्स। यही मूव कर रहा है। सो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय कंस्ट्रेंट फोर्स इज जीरो, या फिर बोलो टोटल वर्क डिलीवर्ड बाय कंस्ट्रेंट फोर्स इज जीरो। अब हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है। इसकी वेलोसिटी तो खैर v है ही, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? तो टोटल सम ऑफ द पावर जीरो। यहां यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे? n v1 cos 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, और यहां पे नॉर्मल ये वेलोसिटी इधर है और नॉर्मल इधर है, यहां क्या लगाएंगे पाई। यहां क्या लिखा जाएगा? n2 v2 cos pi असम जीरो। सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जीरो। सो v2 इज इक्वल टू v1। सो v1 इज इक्वल टू v, मतलब एक ही वेलोसिटी से चलेंगे दोनों। अगर यहां नॉर्मल डिफरेंट हो जाता तो हो सकता है डिफरेंट, ऑब्वियसली नहीं, इसीलिए एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। और नॉर्मल ना लगता तो वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है मूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं पुली कंस्ट्रेंट्स की। अगर कोई पुली है तो उसमें पुली के ऊपर से कोई स्प्रिंग गई है तो उसमें कैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं? पहला केस लेते हैं जब पुली फिक्स है। तो पुली अगर फिक्स है और यहां पे एक मास m1 लगा हुआ है, ये मास m2 लगा हुआ है, सो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड से। देखो, यहां पर टेंशन आप फटाफट मार्क कर सकते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन आप अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां स्ट्रिंग ये है, तो इसके लिए कंस्ट्रेंट लिखना है। तो आपको बताया था टोटल पावर डिलीवर बाय इंटरनल फोर्स जीरो होता है वर्चुअल वर्क मेथड में। सो टोटल पावर डिलीवर जीरो होगा, तो यहां पर पावर इसके लिए डिलीवर होगा। So, T, V1 वेक्टर, ये पुली फिक्स है तो इसके लिए जीरो, ये पुली फिक्स है चल नहीं रही तो इसके लिए जीरो, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? T,
v2 वेक्टर सम जीरो. सो v1 वेक्टर का सम इज इक्वल टू प्लस v2 वेक्टर का सम जीरो. अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्या हुआ, दोनों का वेलोसिटी का सम जीरो, मतलब v1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v2. एक्सेलरेशन ऑफ 1 मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, तो एक टूवर्ड्स पुली होगा तो दूसरा अवे पुली होगा. अब बात करते हैं जिसमें एक फिक्स पुली लगी है, मूवेबल पुली लगी है, मतलब मल्टीपल पुली सिस्टम की बात कर रहे हैं, तब क्या करेंगे. फिर से हम क्या करेंगे, जितनी स्पिन होगी उतनी कंस्ट्रेंट दिखेंगे. यहां पर हम क्या करेंगे, टेंशन मार्क कर देंगे. इस स्क्रीन में टेंशन मार लो, यहां से मार्क करते नीचे से. यहां टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी हो जाएगा, यहां टी, ये दोनों टी, ये टी और टी मिला क्या जाएगा टू टी, यहां टेंशन टू टी हो जाएगा, यहां पे टू टी, ऐसे बोल देते टी डैश हो गया. बाद में भी हम देखेंगे टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. मान लो यहां पे टेंशन टी और टी है, यहां पे टी डैश इज इक्वल टू टू टी है. अभी हम इसके लिए कंस्ट्रेंट लिखें पहली स्प्रिंग के लिए, तो क्या आएगा, हमने आप बताया था टोटल पावर का सम जीरो होता है. कंस्ट्रेंट फोर्स जो होंगे या इंटरनल कंस्ट्रेंट फोर्स जो होंगे उनका टोटल पावर डिलीवर क्या होगा, जीरो होगा. तो इसका क्या आएगा, टी डैश इंटू वी वन प्लस टी डैश इंटू ये वाला मतलब पुली टू है. So, velocity of pulley 2 is equal to 0. So, V1 vector plus velocity of pulley 2 vector is equal to 0. इसका velocity 1, इसका velocity वही होगा जो pulley का velocity होगा. इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं. का सम क्या आएगा? 0. इसी को acceleration के लिए भी लिख सकते हैं. Acceleration of 1 plus acceleration of pulley 2 का सम 0. अब हम बात करते हैं दूसरे कंस्ट्रेंट के लिए. सो इस स्ट्रिंग में जितना पावर डिलीवर होगा वो जीरो होगा. सो स्ट्रिंग टू के लिए बात करें तो टी इंटू वी टू प्लस, अब ये पुली मूवेबल है ना, तो टी इंटू वी बी टू और टी इंटू वी बी टू यहां पे टेंशन ऊपर है और यहां पे टेंशन नीचे है. अगर इस टी वेक्टर को पॉजिटिव लेते हैं तो इस टी वेक्टर को जरूर नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, इसीलिए क्या लगाना होगा हमें यहां है माइनस. ये माइनस टी वेक्टर होगा इसलिए क्या लगाएंगे यहां पे माइनस, क्योंकि ये अगर टी वेक्टर पॉजिटिव तो ये टी वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस टी वेक्टर इंटू वी थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो वी टू वेक्टर प्लस वी थ्री वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वी बी टू वेक्टर. मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली टू इज इक्वल टू वी टू वेक्टर प्लस वी थ्री वेक्टर डिवाइड बाई टू. सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन यू कैन से acceleration of pulley 2 is equal to acceleration of 2 plus acceleration of 3 divided by 2. So, अगर हम इस स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट लिखें तो क्या लिखेंगे, t into v2, t vector into v2, यहां पे t vector ऊपर है अगर, यहां वाला t vector नीचे होगा, इसीलिए minus times of t vb2. यहां दो साइड है ना, तो इसलिए टू टाइम्स हो गया और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये टी वेक्टर नेगेटिव होगा प्लस टी वी थ्री. सो वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल टू टू वी बी टू. सो वेलोसिटी ऑफ पुली टू इज इक्वल टू वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाई टू. एक्सेलरेशन ऑफ पुली टू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ टू प्लस एक्सेलरेशन ऑफ थ्री डिवाइड बाई टू. यहां वेक्टर का मतलब क्या है, अब वेक्टर का मतलब क्या है, आप प्लस और माइनस साइन यूज करेंगे. देखो एक तो होगा, एक टूवर्ड्स पुली होगा, एक अवे पुली होगा, तो किसी एक को आप पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव ले लो.
टुवर्ड्स पुली पॉजिटिव ले लेते तो अवे फ्रॉम द पुली नेगेटिव लेके पूरी कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं। ये ब्लॉक है इस वेज के ऊपर रखा हुआ है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से आ रहा है और ये वेज इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से आ रहा है। सो इन वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है? कंस्ट्रेंट फोर्स बॉडी को कंस्ट्रेंट एक पर्टिकुलर फैशन में मोशन करने के लिए मजबूर करता है। तो यहां पे कंस्ट्रेंट फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। हियर द कंस्ट्रेंट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कंस्ट्रेंट फोर्स। सो क्या होता है कंस्ट्रेंट फोर्स? टोटल पावर डिलीवर बाय कंस्ट्रेंट फोर्स या फिर बोलो टोटल वर्क डन बाय कंस्ट्रेंट फोर्स इज जीरो। सो यहां पे इस नॉर्मल का वर्क जीरो आएगा। नॉर्मल कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो नॉर्मल इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो कर रहा है। ये वाला ब्लॉक v2 वेलोसिटी से आ रहा है नीचे और नॉर्मल इधर लग रहा है। ये वाला ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है। तो अगर देखा जाए यहां पे इसकी वेलोसिटी है v2 इधर और नॉर्मल है इस तरफ, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यहां पे देखा जाए तो नॉर्मल इधर है। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, नाम ही नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस लगेगा। और इसकी वेलोसिटी है इधर v1, ये एंगल है थीटा, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। सो टोटल पावर का सम क्या आता है? जीरो। सो टोटल पावर का सम क्या आएगा यहां पे? जीरो। सो यहां पे पावर निकालने क्या आएगा? एन वी टू, और इसको हमने अगर डायरेक्शन लिखना है तो हटाई देते हैं यहां पे, कॉस पाई माइनस थीटा, और यहां पे एन वी वन कॉस 90 माइनस थीटा। और इनका सम क्या होगा? जीरो। सो वी टू कॉस थीटा प्लस वी वन साइन थीटा इक्वल टू जीरो। सो वी टू इज इक्वल टू वी वन टेन थीटा।